क्योंकि ये इस दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो समान नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं देख ले, तो जैसे या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या तो इसे ब्रेक करके लिखूंगा, तोड़ के लिखूंगा, नहीं तो टर्म को समान करके लिखूंगा, ठीक है। और ये भी देखते हो कि इस दोनों टर्म के बीच यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना 12 है, वही चीज आपको क्या दे रखा है, अंश में दे रखा है, ठीक है, न्यूमिनेटर में दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पहले ब्रेक कर लेता हूँ, यानी कि तोड़ लेता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1/2 को 1/1 - 1/2, ठीक है, प्लस 3/2 × 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 - 1/5। क्योंकि अगर इस दोनों का एलसीएम लेना तो ये 2 × 5 हो जाएगा, और ये 5 - 2 यानी कि 3/2 आपका ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, मैं सेम यही काम करता रहूँगा। कहाँ तक, 20/20/37 × 57 ये, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/37 - 1/57। ये जो टर्म है ये आपस में क्या होता है, कटा पिटी करता है, यानी कटता जाता है, और जो आपके पास जो टर्म बचता है ये 1/1 यानी 1 - 1/57, जो टर्म बचा आपका 56/57, यही इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि इस टर्म के जो क्वेश्चन आते हैं पहले तो देखने में लगता है थोड़ा सा बड़ा सा, मगर बिना कोई लॉजिक का, मगर ये सारे एक लॉजिक पर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, ये फिफ्थ काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, यानी कि आपका जो दो रेखा क्वेश्चन, 3² + 1/3² - 1 + 5² + 1 + 5² - 1, और ये आपका लास्ट टर्म 99² + 1 - 99² - 1 यहाँ तक आ रखा है, और इसको कोई लॉजिक नहीं है ऐसे, ठीक। मगर इसे भी बनाया जाता है शॉर्ट से बिल्कुल। जैसे फिफ्थ जो क्वेश्चन है, पहले जो टर्म दे रखा है मुझे, मैं वो लिख लेता हूँ, +5² + 1 - 5² - 1, और ये आपका 99² + 1/99² - 1 तक जाता है, ठीक है। हालांकि इसको ये क्वेश्चन काफी इजी है, देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, बाकी बात काफी इजी बनता है। जैसे कि अगर मैं एक काम करूं, मुझे यहाँ पे इसे गायब करना है ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को यानी a² - b² के रूप, मतलब a² - b² बराबर जो होता है a - b × a + b होता है, उसके रूप में मुझे इसे डिवाइड करना है। तो क्या करता हूँ कि मैं इस सारे टर्म में से एक एक को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये सब्ट्रैक्ट करने का रीजन भी आपको पता चल जाएगा, क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5² + 1 - 5² - 1 यहाँ भी एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये 99² + 1/99² - 1 यहाँ भी एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये जो एक एक जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ये कुल कितने बार हुआ है इसका भी पता करेंगे हम, क्योंकि पहला टर्म आपका 3 है और लास्ट टर्म 99 है। 99 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 96 आएगा, 96 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 48 आएगा, और 48 में अगर एक जरूर, तो ये आपको 49, यानी 49 - 1 आया। इसे गायब करने के लिए क्या करता हूँ, 49 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये सारे 1 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये आपका 3² + 1 - 3² - 1 जो हो जाएगा 3² - 1, फिर यहाँ पे 5² + 1 - 5² - 1 + 1/5² - 1, और यहाँ पे आएंगे डॉट डॉट करके, प्लस 49² + 1 - 99² - 1 / 99² - 1, और ये +49 आपका होगा, ठीक है। अब ये जो होता है ये कुछ कट जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक आपका 2, यहाँ भी एक एक 2, यहाँ भी एक एक 2, सारे में एक एक 2 आता रहेगा, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ a - b × a + b यानी 2 × 4, यहाँ भी लिख सकता हूँ 2/4 × 6, डॉट डॉट करके मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 2/98 × 100 + 40। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस सेम आ रखा है, यहाँ भी सेम आ रखा है, लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है,
ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो समय से कोमा ले लीजिए इंटू वन अपॉन डी, डी की जगह दो है, वन अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में आपका दो है, माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म आपको 100, और प्लस ये जो है आपका 49, ये दो दो कैंसिल हो गया आपका। अब ये जो है दो, ये 100 का अगर एलसीएम ले तो 100 आपका 49 अपॉन 100 आएगा, यानी 49 अपॉन 100 और प्लस 49। अगर मैं ये 100 को गायब करूँगा ये पॉइंट आ जाएगा, अगर इस पॉइंट को मैं जोड़ दूँ आपस में तो 49